अयोध्या में राम जन्मभूमि पर नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में आगामी 22 जनवरी को रामलला के विराजमान होने की खुशी में देश भर में जश्न का माहौल होगा। ब्यावर जिले में इस दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाने का प्लान तैयार किया गया है। घर घर मिठाइयां बटेगी, आतिशबाजी कर जश्न मनाया जाएगा। प्रत्येक गांव के मंदिरों में रामधुनी और भजन कीर्तन के कार्यक्रम होंगे। रामलला के विराजमान होने का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के सह परियोजना प्रमुख पृथ्वी सिंह भोजपुरा ने रविवार को आशापुरा माता मंदिर में प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अयोध्या से पूजित अक्षत ब्यावर पहुंच गए हैं और आशापुरा माता धाम से अक्षत कलश लेकर विहिप के कार्यकर्ता गांव गांव पहुंचेंगे। विभिन्न समितियों का गठन किया जाकर इन अक्षत कलशों को प्रत्येक घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। भोजपुरा ने कहा कि प्रत्येक गांव में प्रत्येक व्यक्ति से आग्रह किया जाएगा कि वे 22 जनवरी के दिन रामलला के मंदिर में विराजमान होने के समय अपने अपने गांव के मंदिरों पर एकत्रित हों और भजन कीर्तन के कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, गांवों में मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया जाए। ब्यावर परियोजना की ओर से आशापुरा माता धाम में भी LED की व्यवस्था कर रामलला की प्रतिमा स्थापना का सीधा प्रसारण होगा और करीब 15,000 से अधिक भक्तों के लिए प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। शहर में भी विभिन्न संगठनों की ओर से इस दिन जोरदार खुशी मनाई जाएगी। हर घर पर पूर्व संध्या पर दीप भी जलाए जाएंगे। रविवार को विश्व हिंदू परिषद के ब्यावर जिले के विभिन्न स्थानों से आए हुए कार्यकर्ता अक्षत कलश लेकर अपने अपने गांवों की ओर से रवाना हुए। प्रेस वार्ता के दौरान विश्व हिंदू परिषद के नितेश गोयल, सुरेश वैष्णव, रविशंकर, सतवीर सिंह आदि अनेक सदस्य भी मौजूद रहे। तीर्थ न्यास की ओर से जो भगवान श्री राम के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण स्वरूप जो पीले चावल आए, उसकी आज जिले की बैठक थी समिति की। आज हमने यहाँ बैठकर प्रत्येक घर तक, ब्यावर जिले के प्रत्येक घर तक पीले चावल कैसे पहुँचे, कैसे प्रत्येक मंदिर तक, राम जन्मभूमि पर जो मंदिर निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह को किस प्रकार भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ मनाएं, उसकी कार्य योजना आज हमने बैठ के बनाई। नीचे तक खंडों तक की समितियां बनी है, ये समितियां नीचे मंडल और पंचायत समिति के तक बनेगी, ग्राम समितियां बनेगी और 1 जनवरी से लगाकर 15 जनवरी तक अक्षत वितरण, जो पीले अक्षत आए हैं भगवान के वहां से, वो प्रत्येक घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और वहां से एक पत्रक आया है जो किस प्रकार के मंदिर की भव्यता है वो पत्रक देंगे। भगवान श्री राम के जो वहाँ मंदिर का जो विग्रह है, मंदिर का जो है उसका चित्र भी और भगवान का चित्र प्रत्येक घर तक पहुंचाने का ये आज की।